हे हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पार्ट वन है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। इससे पहले दोस्तों वीडियो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने बना दिया। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से अगर वीडियो नहीं देखे तो दोस्तों लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और इस पार्ट में दोस्तों हम केवल वन चैप्टर 1, 2, 4, 5 एंड 6 करने वाले हैं। जो सेकंड पार्ट दोस्तों आएगा उसमें बाकी बचे चैप्टर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं आप सभी को करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब यानी चैप्टर 1 देख लीजिए दोस्तों। चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, मैं आप सभी को बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, यदि आपके पास CBSE का जो हेल्प बुक है जिसे हम सपोर्ट मटेरियल कहते हैं, तो सपोर्ट मटेरियल के जो क्वेश्चन है वो ज़रूर करके जाना, क्योंकि सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने की संभावना है दोस्तों। और सब जो सपोर्ट मटेरियल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, उसकी जो सीरीज है मैं आज शाम तक वो अपलोड कर दूँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के, दोनों बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये आप इस क्वेश्चन के स्क्रीन शॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 से है, ठीक है, इधर, ठीक है। आप लोग स्क्रीन शॉट्स को ले लें ताकि ये आप आसानी से इसकी तैयारी कर सके दोस्तों। व्हाट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, ठीक है। यह क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया पेपर में और इस बार पूछी जाने पूरी पूरी संभावना है। तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आपके पास सैम्पल जो CBSE की हेल्प बुक्स है जिसे हम सपोर्ट मटेरियल कहते हैं, तो प्लीज़ उसे पढ़ के जाइएगा। जो बच्चे दिल्ली से हैं तो उनके पास तो अवेलेबल होगी, और भी बच्चे के पास अवेलेबल होगी, तो प्लीज़ पढ़ के जाइए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। और इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है जो 5 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से बनने की पूरी पूरी संभावना है। और मैंने आप लोगों को कुछ चित्र के क्वेश्चन दिए थे जो मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों दिए, वहाँ से भी आप जा देखकर दोस्तों उन उन जो डाइ उस डायग्राम का अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो दो डायग्राम तो दोस्तों पेपर में आपको उनमें से पक्के पक्के मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसे आप पॉज करके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बना हुआ दोस्तों। तो प्लीज़ इसके स्क्रीन शॉट ले लीजिए और वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख भी सकते हैं। ये अभी पार्ट 1 है दोस्तों, उसके बाद पार्ट 2 आएगा दोस्तों। टाइम की थोड़ी कमी है क्योंकि मुझे ऑफलाइन भी पढ़ाना पड़ता है, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा और निराश ना हो। मैं टाइम मिलते हैं दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाऊंगा। और जो भी बच्चे SST के जो इंग्लिश में मीडियम में क्वेश्चन मांग रहे हैं दोस्तों, तो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूँ, जैसे ही तैयार हो जाएगा उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, और मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों SST हिंदी साइंस जो भी आप सभी के क्वेश्चन हैं, आप क्लास 10 से हैं, क्लास 12 से हैं, अगर आप क्लास 12 से, तो पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फॉलो कीजिए, ताकि, और जो बच्चे PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर, सॉरी टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, द पॉलिटिकल मास्टर हमारा। और इसका डिस्क्रिप्शन जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों। मैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों आप। तो मैं इसलिए इसको स्लाइड को हल्का हल्का चला रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, और इसको आप पॉज करके भी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसकी रिजल्ट ले लीजिए, माफ़ कीजिएगा। अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिमिटेस ब्लू इट्स pH लाइकली टू बी, तो ये प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन में से हम देख ले सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट्स इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, माफ़ कीजिएगा, जुकाम तबीयत ख़राब है, लेकिन अब मैं सोचा आपके लिए ज़रूर वीडियो बनानी है, इसलिए मैं दोस्तों ला रहा हूँ, नहीं तो तबीयत थोड़ी ख़राब रखी है, सर्दी जुकाम और आपको दिख रहा ही होगा दोस्तों।
तो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी तैयारी कर लीजिए। इसके अलावा मैं बार बार आप सभी से कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपके पास सपोर्ट मटेरियल है तो उन सपोर्ट मटेरियल का ज़रूर आप तैयार कर लें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। और क्वेश्चन जो दोस्तों इजी बनने वाले हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ तैयारी सही से कीजिएगा। हार्ड अगर आपने एनसीईआरटी क्लियर कर लिया और ये क्वेश्चन कर लिया तो आप 100% अच्छे नंबर से पास होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी आपको। तो प्लीज़ किसी प्रकार में पैनिक में ना आए और क्वेश्चन बस पढ़ते जाइए और उसको आंसर अपने आप उसको बनाते जाइए, ताकि तो तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि आप एनसीईआरटी कवर कर लीजिए और ये क्वेश्चन कर लीजिए बस। क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है, 4 सितंबर का पेपर है साइंस का आपका, तो इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन कर लेने हैं ताकि अच्छे नंबर से आप पास हो सके। ठीक है, ये पार्ट वन है। इसके अलावा दोस्तों पार्ट टू मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सॉरी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आप सभी तक जो भी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, जो भी वीडियो आएगा आप तक पहुंच जाएगी दोस्तों। तो इसको ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेम द फोर्थ मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज। ये क्वेश्चन बार बार सीबीएसई में दोस्तों पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोजिनस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पार्ट टू लेकर आऊँगा दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड्स इन द एलिमेंट्स वाज गिवन बाय। इन सभी क्वेश्चन का प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप फर्दर आप जो काम आ जाइए, और इसी वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं दोस्तों। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इसके उपयोगी कर आपके लिए काम आ सके, और आप पॉज करके वीडियो को इसको लिख भी सकते हैं। तो प्लीज़ इसके साथ साथ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो आपका सपोर्ट मटेरियल उसको ज़रूर पढ़िएगा, ये सपोर्ट मटेरियल से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा करना है, और ये पार्ट वन है। इसके बाद दोस्तों पार्ट टू लेकर मैं आऊँगा। तो इस तरह इसको आपको कर लेना है। ठीक है, तो जो बच्चे बोले सर इंग्लिश मीडियम में नहीं डाल रहे हो, तो दोस्तों मैं इंग्लिश माध्यम से भी वीडियो डाल दिया है, तो प्लीज़ इसे देख लीजिए और अपने को अच्छे नंबर से पास कराइए और अपने आप को उत्तीर्ण कराइए, ताकि सभी को दिखे कि आपने अच्छे नंबर से आप मेहनत करके पास हुए। क्योंकि जो आपको नंबर मिले हैं वो उससे कहीं अच्छे नंबर से आप पास होने की पूरी पूरी आपके पास चांसेस है दोस्तों। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये टोटल जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैं वीडियो को स्लाइड को धीरे धीरे से चला रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सके, और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो प्लीज़ इसको आप दोबारा से वीडियो को रिवर्स करके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये अभी पार्ट वन है दोस्तों। पार्ट सेकंड मैं दोस्तों शाम तक अपलोड कर दूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, लाइक कर दे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। जय हिंद, आज के लिए बस इतना ही।